मजबूरी और गरीबी, पैसे का प्रलोभन, मजबूरी का प्रलोभन देकर, ये धर्म परिवर्तन इच्छा से नहीं है, ये मजबूरी में करवाते हैं कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें पैसे की जरूरत है, हम देते हैं। इवन मिशनरियों के जो स्कूल हैं, मैंने हमारे अपने शिष्य जिसमें पढ़ते हैं कई बार, तो वो तिलक लगाने नहीं देते, वो तुलसी नहीं पहनने देते, वो कलाबा नहीं बांधने देते। इतना बड़ा अन्याय ये लोग करते हैं और कैसे भी करके धर्म परिवर्तन कराने में लगे रहते हैं। इसीलिए दुख की बात यह है कि अब तक की जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने इस विषय को कभी सीरियसली नहीं लिया। अब मजबूरी में अगर वो सेवा है तो वो धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं कर सकती, और अगर वो मजबूरी का फायदा है तो ये कानूनी अपराध है कि किसी के मजबूरी का फायदा उठाकर उसका धर्म ही बदलवा दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके लिए सख्त बुलंद आवाजें, और ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, आप चले जाइए केरल साइड में तो पूरा का पूरा रोड पे आपको सिर्फ चर्च दिखाई देंगे। रामेश्वरम साइड में चले जाइए आपको सिर्फ वहां चर्च दिखाई देंगे, मंदिर दिखाई नहीं पड़ेंगे, जो कि जहां पर भक्ति का जन्म होता है। तो इस कंडीशन, क्योंकि पैसे के बल पे, हमारे सरकारों को यह सोचना चाहिए कि अपने सनातन धर्म के लोगों को भी वो इस तरीके से प्रमोट करें जो हम लोग जा जाके धर्म की रक्षा कर सके और लोगों तक पहुंच सके, उनकी मजबूरियों का, उनकी सेवा करके उनको अपने धर्म में सुरक्षा दें। और ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के पास में एक ही उन लोगों को फल मिलना चाहिए, और वो है किसी भी तरह से कानूनी सजा।